ये युवराज महारमन वर्सेस जयवर्धन। नहीं नहीं ऐसे कुछ वर्सेस वर्सेस नहीं है, मैं वर्सेस मैं ही तो मैं इतना कोशिश कर सकता हूँ, मैं अपने माध्यम से जितना मैं जन सेवा कर सकता हूँ मैं बिल्कुल करूँगा। अभी राज में आना मेरा लक्ष्य नहीं है, हमें अभी अपने स्टार्टअप उसको सफल कराना चाहता हूँ ताकि मैं अपने हमारे प्रधानमंत्री ने उसको अपनाया किया है, मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है और मैं प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जैसे सारे प्रधानमंत्री ने कहा है हर क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र में हमें इंडस्ट्रियल जोन बनाने शिक्षा और हमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आपने विदेश में पढ़ाई इस लोकसभा क्षेत्र में उसका किस तरह से आप उपयोग करेंगे युवाओं को? मैं तो बस अभी सलाह दे सकता हूँ, मैं उपयोग नहीं कर सकता मैं राजनीति, लेकिन जो मैं कर सकता हूँ मैं अपने स्टार्टअप को। और एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको क्या लगता है कि कितनी संभावनाओं को जैसे तमाम किसान को आत्महत्याओं का एक इश्यू है, उनको कर्ज देना पड़ता है, कर्ज माफी योजना कर सबसे उबारने के लिए क्या कभी आप नब्बे प्रतिशत आबादी जो है वो लोकसभा क्षेत्र में ग्रामीण लोगों की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं हमारे किसानों नेटवर्क हमारे कौन सी सुविधाएं और मजबूत कर रहे हैं, बिजली की समस्याएं और मजबूत कर रहे हैं, पानी की समस्या और मजबूत कर रहे हैं ताकि वो का जो फसल हो वो और बाहर निकले और कमाने का मौका हो, और भी हम इंडस्ट्रियल जोन को भी कनेक्ट कर रहे हैं ताकि का जो फसल है वो इंडस्ट्रियल जोन में भी बेच पाए हो, तो ये सब काम कर रहे हैं। ये रोड नेटवर्क जो सड़क के नेटवर्क हम मजबूत करेंगे, इससे इसको मंडी जाने में भी आसानी रहेगी, तो ये सब हम काम कर रहे हैं इसमें ताकि हमारे किसान भाई और हमारे किसान परिवार को भी लाभ मिले। एजुकेशन क्षेत्र में जहाँ तक आपको बात है कि शुक्री में बहुत टमाटर और बिल्कुल युवाओं के लिए लोकसभा क्षेत्र में उसको किस तरह से ग्वालियर से मात्र 2 घंटे की दूरी पर है जिन्हें हम यूरोप में और दूसरे देशों में निर्यात कर सकें, खासतौर से इसको जैविक में जोड़ा जाए, गऊ आधारित जो जैविक कृषि है जिससे भूमि सुमिश्रण आर एफ का एक कार्यक्रम है। आपने मैंने कहा ये इंफ्रास्ट्रक्चर से हम ये चीज कर पाएंगे, एक्सपोर्ट कर पाएंगे, हम बाकी क्षेत्र में भी ये सामान भेज पाएंगे ताकि हमारे किसानों को लाभ। तो आपने जो मुद्दा उठाया है बिल्कुल सही उठाया, वही हमारी सब्जियों की प्रोसेसिंग यूनिट कोई खासतौर से शुक्री में क्योंकि पूरे देश भर में वहाँ से टमाटर भेजा जा रहा है, यहाँ तक कि पाकिस्तान से भेजा जाता था, तो इसको जो पाकिस्तान की लाइन व्यापार बंद होने के कारण बंद हो किसान काफी तो उसको क्या यूरोप या अमेरिका या दूसरी जगहों पे बिल्कुल हमें करना चाहिए। और जैसे जिस तरीके से महाराज ने गुना में स्पाइस पार्क खोला था उसी तरीके से यहाँ प्रोसेस खोलने की हमारी कामना है। राजनीति को आपने अपने सेवा का क्षेत्र बनाया है तो वह दिन कब आएगा या कितना दूर है ये युवराज महारमन वर्सेस जयवर्धन? नहीं नहीं ऐसे कुछ वर्सेस वर्सेस नहीं है, मैं वर्सेस मैं ही तो मैं इतना कोशिश कर सकता हूँ, मैं अपने माध्यम से जितना मैं जन सेवा कर सकता हूँ मैं बिल्कुल करूँगा। अभी राजनीति में आना मेरा लक्ष्य नहीं है, हमें अभी अपने स्टार्टअप उसको सफल कराना चाहता हूँ ताकि मैं अपने बहुत बहुत धन्यवाद।